सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने वाला संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो गया है। इस बिल को पास करवाने के लिए मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। एक और जहां बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है, तो वहीं कई विपक्षी दलों ने भी इस बिल का समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि संसद में पास हो जाएगा सवर्णों के आरक्षण वाला बिल। सरकार संग विपक्ष के महागठबंधन से सवर्णों के आएंगे अच्छे दिन। असल में किसी भी संविधान संशोधन बिल पास करवाने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। जहां तक लोकसभा के गणित का सवाल है, तो लोकसभा में 2/3 बहुमत ना होने के बाद भी सरकार की राह आसान है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बिल को समर्थन देने की बात कही है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। बिल पास करवाने के लिए 349 वोटों की जरूरत है। एनडीए के पास लोकसभा में 303 सांसद हैं। इसमें कांग्रेस के 45 और आम आदमी पार्टी के 4 सांसदों को छोड़ दें तो आंकड़ा 352 पर पहुंच जाता है। अगर राज्यसभा की बात करें तो यहां भी सरकार की राह आसान नजर आ रही है। राज्यसभा में कुल सीटें 244 हैं। बिल पास करवाने के लिए 163 नंबर की दरकार होगी। यहाँ एनडीए के पास 92 सीटें हैं, कांग्रेस की 50, आपकी 3, बीएसपी की 4, एसपी की 13, एनसीपी की 4 सीटें जोड़ दी जाए तो ये आंकड़ा 166 पर पहुंच जाता है। ऐसे में इस बिल के संसद के दोनों सदनों में आसानी से पास होने के कयास लगाए जा रहे हैं। ये तमाम दल पहले ही इस आरक्षण बिल को अपना समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि संसद की मंजूरी के बावजूद इस बिल को 50% राज्य विधानसभाओं की भी सहमति की दरकार होगी। लेकिन संसद में जिस तरह इस बिल को लेकर सरकार के साथ विपक्ष का महागठबंधन दिख रहा है, उससे सवर्णों के अच्छे दिन आने के कयास लगाए जा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।